सो अगेन माई सेल्फ नरेंद्र कुमार. तो ये जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो पिछले पार्ट में आपने देखा होगा कि ड्रग्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था और एंटा एसिड्स तक हमने डिस्कशन किया था. ड्रग्स का क्लासिफिकेशन किया और उनका जो एक्शन है उसकी क्या मैकेनिज्म है वो हमने डिस्कस किया और कुछ कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए थे. तो उसमें हम एंटा एसिड्स डिस्कस कर चुके थे. तो ये एंटा एसिड्स के अंदर हमने ये देखा था कि जो हाइपर एसिडिटी है उसका मेन कॉज जो है वो हिस्टामीन है, केमिकल सब्सटेंस है. उसका स्ट्रक्चर हमने चेक किया और जो हिस्टामीन की एक्टिविटी को ब्लॉक करने के लिए हमें एंटी हिस्टामीन्स वगैरह जो यूज़ करने होते हैं उसमें दो इंपॉर्टेंट एंटी हिस्टामीन्स हैं, रेनिटिडीन एंड सिमेटिडीन. तो इसमें एक में इमाइडाजोल ग्रुप है और सल्फर है. रेनिटिडीन में भी जो है हमारे पास में सल्फर है. तो ये हिस्टामीन जो है बड़ा पॉपुलर सा कंपाउंड है. आपका आपको अब इसका स्ट्रक्चर जो है वो विजुलाइज हो गया होगा. तो कुछ क्वेश्चंस इस हिस्टामीन पर बेस्ड आए हुए हैं और भी क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं. तो देखिए इसमें हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हिस्टामीन्स के जो वेरियस स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं. ठीक है, मतलब मेरा इंट्यूशन है कि कुछ एडवांस टाइप के क्वेश्चंस में एडवांस में एग्जामिनर इस स्ट्रक्चर्स की हेल्प ले सकता है. एडवांस में एडवांस जो जेई एडवांस है उसके सिलेबस में नहीं है, बट एग्जामिनर जो है एक आइडिया यहाँ से ले सकता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का और फिर कुछ क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम कर सकता है. सो वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ हिस्टामीन्स को अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास में जो है मेन तीन टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं. पहला स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ये जो है वो स्ट्रक्चर्स है जो बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल पीएच पर एग्जिस्ट करता है. तो हिस्टामीन बेसिकली एक बेसिक सब्सटेंस है. इसमें तीन नाइट्रोजन एटम आपको दिखाई दे रहे हैं. एक जो टर्मिनल नाइट्रोजन एटम है वो एक टाइप का एलिफेटिक अमीन की तरह बिहेव कर रहा है और बाकी दोनों अगर हम देखेंगे तो वो एरोमेटिक नाइट्रोजन टाइप के नाइट्रोजन है, एरोमेटिक अमीन टाइप के नाइट्रोजन हैं. तो एरोमेटिक अमीन और एलिफेटिक अमीन की रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ को अगर हम कंपेयर करेंगे तो एलिफेटिक अमीन जो है वो एरोमेटिक अमीन से ज़्यादा बेसिक होता है. तो इसलिए ये जो हमारे पास में फर्स्ट नाइट्रोजन एटम है ये मोस्ट बेसिक है. तो फिजियोलॉजिकल पीएच पर ये जो है वो इस प्रोटोनेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि देखिए हिस्टामीन को आप पानी में छोड़ोगे तो ये बेसिक सॉल्यूशन क्रिएट करेगा. तो इसका मतलब बीइंग ए ब्रॉन्स्टेड बेस एच प्लस आयन एक्सेप्टर का काम करेगा. तो ये जो तीन नाइट्रोजन एटम है इनमें से कौन सा नाइट्रोजन एच प्लस एक्सेप्ट करेगा ये हमें पूछा जा सकता है. तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ, अभी मैं डिस्कस भी करूंगा. तो ये पहला स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर दैट एग्जिस्ट एट फिजियोलॉजिकल पीएच. ठीक है, अच्छा दूसरे स्ट्रक्चर्स को अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली एक टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर है. तो ये जो हमारे पास में अमीन एंड इनामीन टाइप का टॉटोमेरिज्म है तो ये एच इधर से उधर चला जाएगा और स्ट्रक्चर टू के अंदर जो हमारे पास में हाइड्रोजन है वो NH3 प्लस के हाइड्रोजन के साथ इंट्रामोलिकुलरली हाइड्रोजन बॉन्डेड रह सकता है. तो ये जो है सिक्स मेंबर रिंग बन गई यहाँ पे और ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वापस से ओपन अप हो गई. तो ये थर्ड और थ्री और फोर्थ जो बेसिकली हमारे पास में सेम ही टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं. अब जैसे हिस्टामीन को हमें कोई प्रिपरेशन के लिए भी कह सकता है कि हिस्टामीन को कैसे प्रिपेयर करेंगे. हिस्टामीन जो है एक इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड से प्रिपेयर हो सकता है. सो दैट अमीनो एसिड इज हिस्टिडीन. यस, याद आया होगा आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. तो ये हमारे पास में जैसे हिस्टिडीन एक अमीनो एसिड है, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है. इसका डी कार्बोक्सिलेशन अगर हम कर देंगे तो हिस्टामीन प्रोड्यूस हो जाएगा. सो आई होप आपको हिस्टामीन का स्ट्रक्चर जो है वो फेमिलियर हो गया होगा. जैसे ये क्वेश्चन है, प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ हिस्टामीन प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड इज, और पीके ऑफ हिस्टिडीन अमीनो एसिड का पीके दे रखा है. तो यहाँ पे आइडिया ये है कि अमीनो एसिड जो हिस्टिडीन है उसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है. इस कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप को अगर हटा दिया जाता है तो हिस्टामीन बन जाता है. तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जब लगा रहेगा हिस्टिडीन के अंदर तो हिस्टिडीन बीइंग अल्फा अमीनो एसिड ज्वीटर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. तो इसकी जो ज्वीटर आयनिक फॉर्म होगी उसमें ये अल्फा पोजीशन वाला जो नाइट्रोजन है ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड CO- माइनस की तरह एग्जिस्ट करेगा. तो अब ये जब कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप रिमूव कर देते हैं तो इसका मतलब एक विड्रॉइंग ग्रुप रिमूव कर दिया हमने. तो विड्रॉइंग ग्रुप रिमूव कर देंगे तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो और इंक्रीज हो जाएगी. तो हिस्टिडीन फिजियोलॉजिकल पीएच पर अगर ज्वीटर आयनिक फॉर्म में अगर एग्जिस्ट करता है तो हिस्टामीन भी उस
इजीली प्रोटोनेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और इसका जो एलिफेटिक NH2 ग्रुप है वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, उस टाइप का। ये क्वेश्चन जो है वो JEE Main 2018 के अंदर आया हुआ है, एक सिंगल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, और वेरियस ऑप्शंस को अगर हम देखेंगे तो ये है, ये जो हमारे पास में इस स्ट्रक्चर में अगर देखेंगे तो दो नाइट्रोजन प्रोटोनेटेड फॉर्म में, डाई प्रोटोनेटेड फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, करेगा लेकिन एक्सट्रीम पीएच पर एग्जिस्ट करेगा, सॉरी मतलब बहुत एक्सट्रीमली एसिडिक सोल्यूशन होगा वहां पे पीएच करेगा। तो हिस्टामिन के अंदर आपको पता है कि ये जो एक डबल बॉन्डेड एन है वो भी सिग्निफिकेंटली बेसिक है, तो बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी एच प्लस आइन की, तो वो भी उसी टाइप में एग्जिस्ट कर देगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है वन, ये एक्सट्रीमली एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट करेगा, ब्लड के अंदर तो ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो अगेन देखिए, ये भी जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो टर्मिनल NH2 जो है वो एलिफेटिक टाइप का, दैट इज मोर बेसिक देन दिस एरोमेटिक नाइट्रोजन। यस, ये वो करेक्ट स्ट्रक्चर है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। ये जो थर्ड है ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो ये फोर्थ वाला तो बेसिकली ये हो गया, बींग अ बेस ब्लड के अंदर जो है थोड़ा बहुत तो ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, अल्कलाइन नेचर क्रिएट करेगा। ये जैसे ज्विटरायनिक स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टिडीन को अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास में हिस्टिडीन का ज्विटरायनिक स्ट्रक्चर है। मैं यही कह रहा था कि अगर ये हिस्टिडीन इस फॉर्म में अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हिस्टामिन भी इसी टाइप से प्रोटोनेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, डी कार्बोक्सिलेशन होकर के ये बाहर चला जाएगा। तो आंसर इसका जो हमने डिस्कस किया था नंबर थ्री है। ये एक और क्वेश्चन है, JEE Main 2015 के अंदर आया है, और ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एन एंटासिड। सिमेटिडीन एक एंटा एसिड है, हम जानते हैं, अभी अभी हमने डिस्कस पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। फिनेलजीन ये कोई नहीं डिस्कशन में था, फर्स्ट टाइम ये कंपाउंड जो है नेम आ रहा है इसके अंदर। रेनिटिडीन एक वेल नॉन एंटा एसिड है, और ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी एंटा एसिड है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर टू जो है वो एक एंटा एसिड की तरह वर्क नहीं करता है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो हमें मिल सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एंटी हिस्टामिन जो है वो क्या होते हैं। एंटा एसिड हमने डिस्कस कर लिए, एंटी हिस्टामिन को हम डिस्कस करते हैं। हिस्टामिन जैसे अगेन मैंने बताया था कि इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टोमक। हिस्टामिन इज अ पोटेंट वैसोडायलेटर। वैसोडायलेटर का मतलब होता है जो ब्लड वेसल्स को थोड़ा वाइड कर देता है, एनलार्ज कर देता है, वाइडनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। हिस्टामिन ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स इन दी ब्रोंकाई एंड गट एंड रिलैक्सेस अदर मसल्स। तो जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है और अदर मसल्स को ये जो है वो रिलैक्स कर देता है। ये हिस्टामिन की जो है प्रॉपर्टीज है। Now, histamine is also responsible for the nasal congestion associated with common cold and allergic response to pollen. तो ये histamine देखिए, एक तो जो है वो nasal congestion के लिए responsible है। Histamine जो है वो एक potent vasodilator है। Histamine जो है वो स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। ये कई सारे ऐसे ऐसे हिस्टामिन्स पर बेस्ड हमारे पास में क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आप एक पेन ले लीजिए, एक पेपर ले लीजिए और उस पर कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए कि भाई हिस्टामिन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये होता है, हिस्टामिन के अंदर ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, हिस्टामिन जो है वो एक पॉजिटिव कार्बिलामिन टेस्ट शो करेगा, है ना। ये इस टाइप के जो सब्सटेंस, हिस्टामिन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है हिस्टामिन, ये वेरियस कॉजेज वगैरह है नेजल कंजेशन। तो ये इस टाइप के जस्ट हमें एक एक्टिविटी करनी है सो दैट वी कैन रिमेम्बर। तो ये जो हमारा एग्जाम है आपका, फॉर एग्जाम्पल सपोज 9th अप्रैल को आपका एग्जाम है तो 5th अप्रैल को, 7th अप्रैल को ये एक्टिविटी आप इस टाइप की कर सकते हो रिविजन के लिए। सो अब ये जो हिस्टामिन है ये इतने सारे नेजल कंजेशन वगैरह प्रोड्यूस करता है कॉमन कोल्ड में, तो हमें कॉमन कोल्ड के ट्रीटमेंट के लिए एंटी हिस्टामिन यूज करना पड़ेगा। सो एंटी हिस्टामिन इंटरफेयर विद द नेचुरल एक्शन ऑफ हिस्टामिन बाय कंपीटिंग विद हिस्टामिन फॉर बाइंडिंग साइट्स ऑफ रिसेप्टर वेयर हिस्टामिन एग्जर्ट्स इट्स इफेक्ट। तो एंटी हिस्टामिन बेसिकली हिस्टामिन के साथ कंपीट करेगा उसका उसका जो इफेक्ट है बाइंडिंग साइट्स के लिए, रिसेप्टर्स के लिए, उसके लिए। तो अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास में कॉमन एंटी हिस्टामिन जो है वो कौन कौन से। तो ये हमारा एक कंपाउंड है ब्रोम फेनिरामीन, तो ये डाइमेटाप एक ट्रेड नेम है, केमिकल नेम यही है। और ये जो टर्फेनाडीन है ये इंपॉर्टेंट एंटी हिस्टामिन है। तो ये आपको कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, अपनी एक ट्रिक डेवलप करना है सो दैट एक नेम आएगा तो आप पहचान सकते हैं कि ये एंटी हिस्टामिन है या एंटा एसिड है वगैरह वगैरह।
तो ये जो भी हमारे पास में पहला कंपाउंड है ब्रोम फेनिरामीन, एक ब्रोमीन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसमें एक पाइरिडीन टाइप की रिंग है। तो आप एक कॉमल फीचर्स देख सकते हैं कि इनके अंदर ये भी बेसिक है, जो एंटासिड्स है वो भी बेसिक सी थे। ये जस्ट मतलब एक हमें तरीका डेवलप करना है, तो मुझे नोट लगा यहाँ पे कि ये एक एरोमेटिक टाइप का इसके अंदर जो ग्रुप है पाइरिडीन टाइप का ग्रुप है वो हमें याद रखने वाला पार्ट इसके अंदर मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए ये जो टर्फेनाडीन है इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखिए, इसके अंदर एक बेंजाइलिक OH ग्रुप लगा हुआ है ना, और एक ये जो है 3° OH ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो एग्जामिनर है वो कुछ नॉलेज चेक कर सकता है हमारा, वो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर तो हमें नहीं पूछेगा, बट स्ट्रक्चर के अंदर जो वेरियस फीचर्स है, जैसे ये मुझे जो लग रहा है कि ये टर जो लिखा हुआ है वो एक टर्शरी एल्कोहलिक ग्रुप के हिसाब से किसी ने नेमिंग करते समय टर लिख दिया होगा, तो आपको ये ध्यान रखना कि ये टर 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 का मतलब ये कि 3° बेंजाइलिक टाइप का एल्कोहल यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, वो जो 2° बेंजाइलिक टाइप का ग्रुप है, और उसके अंदर एक ध्यान से देखेंगे तो एक टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप भी लग रहा हुआ है। तो ये कहीं से भी किसी टाइप से रिलेट करके हो सकता है, तो ऐसे एग्जामिनर भी उनसे कुछ पूछ सकता है फंक्शनल ग्रुप टेस्ट टाइप के। तो देखिए इसमें एक तो जो है हमारे पास में ये फंक्शनल ग्रुप टेस्ट जो है वो जो सर्कल किया हुआ है पर्पल कलर का, वो देखिए दैट कैन शो पॉजिटिव ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट। बेंजाइलिक एल्कोहल और टर्शरी एल्कोहल दोनों अगर हम देखेंगे तो इंस्टेंटली जो है ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। ये ऊपर हमारे पास में एक टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप है, कोई फिनोलिक OH ग्रुप इसमें नहीं है, तो यहाँ पे एग्जामिनर जो है इसका नेम दे करके हमें कह सकता है कि भाई इसमें न्यूट्रल एफिसियल 3 टेस्ट होगा या ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट होगा या कुछ और भी जो भी केमिकल टेस्ट जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये आपको टर्फेनाडीन का स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से सोचना है। ये भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, एंटी हिस्टामिन जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स ही होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स जो हैं वो किस टाइप के ड्रग्स हैं। न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स, सो ट्रैंक्यूलाइजर्स आर न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। सो दीज ड्रग्स बेसिकली अफेक्ट द मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म फ्रॉम नर्व टू रिसेप्टर। सो ट्रैंक्यूलाइजर्स आर केमिकल कंपाउंड्स यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड माइल्ड और इन सम केसेज सीवियर मेंटल डिजीज। दीज केमिकल सब्सटेंसेज रिलीव एंग्जाइटी स्ट्रेस इरिटेबिलिटी और एक्साइटमेंट बाई इंड्यूसिंग अ सेंस ऑफ वेलबींग। सो दे फॉर्म एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्लीपिंग पिल्स। ये भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्लीपिंग पिल्स। तो स्लीपिंग पिल्स जो है वो ट्रैंक्यूलाइजर्स जो है स्लीपिंग पिल का काम करता है। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रैंक्यूलाइजर्स, उनका अलग अलग एक्शन होता है, तो उसी के बेसिस पे इनको क्लासिफिकेशन किया गया, डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं। तो यहाँ पे एक वेल नॉन ट्रैंक्यूलाइज एक सब्सटेंस है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड एज नॉर एड्रेनलिन। सो नॉर एड्रेनलिन इज वन ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर, ये ट्रैंक्यूलाइजर नहीं है, ये एक न्यूरो ट्रांसमीटर है। सो न्यूर एड्रेनलिन इज वन ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर दैट प्लेज अ रोल इन मूड चेंजेस। मतलब आप डिप्रेस हो गए हो, एक्साइट हो गए हो, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो ये जो केमिकल सब्सटेंस है वो मूड चेंजेस में एक हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये भी कोई क्वेश्चन हो सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मूड चेंजेस, सो दैट इज नॉर एड्रेनलिन। If the level of noradrenaline is low for some reason, then the signal sending activity becomes low and person suffers from depression. In such situation, what we do, we have to prescribe him or her antidepressant drugs. So, antidepressant drugs are required to treat this depression. So these drugs inhibit the enzyme which catalyze the degradation of noradrenaline. Noradrenaline का level अगर कम होने लगेगा body के अंदर तो हम depression में जा सकते हैं, ठीक है, धीरे 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 gradually। तो अगर इसका treatment हम नहीं करेंगे, ठीक है, हम कुछ ऐसी activity नहीं करेंगे जो noradrenaline का level जो है body में raise करता रहेगा, तो हम depress हो जाएंगे इस चीज़ के लिए यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, हम ऐसी drugs chemical treatment अगर हमें करना, non chemical treatment भी होते हैं, chemical treatment अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे, एक ऐसी drug use करेंगे जो उस enzyme को destroy कर देगा, उस enzyme को deactivate कर देगा जो नॉरएड्रेनालिन के प्रोडक्शन को कम करता है, नॉरएड्रेनालिन के डिग्रेडेशन को कम करता है। सो ड्रग्स इनहिबिट द एंजाइम व्हिच कैटालाइज द डिग्रेडेशन ऑफ नॉरएड्रेनालिन।
ये हमारे पास में केमिकल सब्सटेंस है नॉर एड्रेलिन. तो इस एक्टिविटी में मेरा मेन एम ये है कि हमें जो वेरियस टाइप के केमिकल सब्सटेंसेस इस चैप्टर में यूज हो रहे हैं उनसे फेमिलियर होना है. ठीक है, आप अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हो. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट यू आर वेरी गुड एट लर्निंग एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स. बट थोड़ा सा मैं आइडिया देना चाहता हूँ कि आपको इस चैप्टर को कैसे स्टडी करना होता है. तो ये जो है नॉर एड्रेलिन मॉलिक्यूल है. आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं गिवन है, बट जस्ट थोड़ा सा नॉलेज एनहेंस करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक फिनोलिक कंपाउंड है. नॉर एड्रेलिन जो है वो एक फिनोलिक कंपाउंड है. तो इसमें आप देखिए कि काइरल कार्बन एटम भी नजर आ रहा है. तो अब इसके अंदर कार्बिल अमीन टेस्ट हो सकता है, इसमें न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट हो सकता है, किसी भी टाइप का केमिकल टेस्ट इसमें करेंगे तो हम ये कह सकते हैं ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट में भी ये पार्टिसिपेट कर सकता है. तो देखिए ये जस्ट मैंने यहाँ पे जो है आइडेंटिफाई किया है. तो एक तो इसके अंदर जो है कैटेकॉल यूनिट है, कैटेकॉल स्ट्रक्चरल यूनिट इसके अंदर नजर आ रही है. फिर इसके अंदर ये जो कैटेकॉल स्ट्रक्चरल यूनिट है इसमें बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH ग्रुप बॉन्डेड है. तो ये फिनोलिक कंपाउंड हो गया. ऑल फिनोलिक कंपाउंड प्रोड्यूस डिफरेंट कलरेशन वेन ट्रीटेड विथ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन. ये टर्मिनल पोजीशंस पे जो प्राइमरी अमीन ग्रुप लगा हुआ है एलिफेटिक टाइप का, तो ये कार्बिल अमीन रिएक्शन शो करेगा. सभी टाइप की जो प्राइमरी अमीन्स है एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक, ये कार्बिल अमीन रिएक्शन शो करते हैं, कार्बिल अमीन टेस्ट शो करते हैं. और ये जो हमारे पास में एक बेंजाइलिक OH ग्रुप है दैट रिएक्ट्स विद ल्यूकास रिएजेंट, ये 3 डिग्री की तरह बिहेव करेगा. तो जो 3 डिग्री के साथ ऑब्जर्वेशन होगी ल्यूकास रिएजेंट की, वही ऑब्जर्वेशन यहाँ पे जनरेट होगी. तो यहाँ पे अब हमें देखना है कि इंपॉर्टेंट ट्रैंक्यूलाइजर्स जो है वो कौन से हैं. तो ये आइप्रोनिजाइड जो है और फिनेलजीन, ये इंपॉर्टेंट ट्रैंक्यूलाइजर्स हैं. सो आइप्रोनियाजिड एंड फिनेलजीन आर इंपॉर्टेंट ट्रैंक्यूलाइजर्स. तो अब देखिए आपको अब नेम हो सकता है याद हो गया, लेकिन आपने स्ट्रक्चर नहीं देखा तो दिमाग में कुछ इमेज नहीं बन रही है. तो अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया हुआ है फिनेलजीन पर बेस्ड, तो वो उसके स्ट्रक्चर्स पर बेस्ड है. तो ये जो है आइप्रोनियाजिड है. तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक पाइरिडीन टाइप का फॉर्मूला है. ठीक है, तो अभी जैसे हमने देखा था कि एक जो हमारा एंटा एसिड है ये एंटी स्टामिन है, उसके अंदर भी एक हमें ये ग्रुप दिखाई दिया है. सो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एक हाइड्राजीन ग्रुप भी दिखाई दे रहा है. NH जो है वो हाइड्राजीन डेरिवेटिव टाइप का हो गया और ये हमारे पास में ग्रुप आ गया. तो अब इसके अंदर नोटिस करने वाला जो पार्ट है वो ये वाला है कि एक पाइरिडीन रिंग हो गई है और एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया. एक मैंने छोड़ दिया NH, उसको भी आप ले सकते हो, हाइड्राजीन टाइप का पार्ट है. तो ये ऐसे आइडेंटिफाई करके आपको जो है रिवाइज करना है. नेक्स्ट ये जो फिनेलजीन है, बड़ा इजी सा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है फिनेलजीन का. तो फिनेलजीन के अंदर देखिए जो हाइड्राजीन ग्रुप है, हाइड्राजीन ग्रुप लगा हुआ है फिनेलजीन के अंदर. मतलब आप इसको ऐसे याद रखिए कि आपके फिनाइल हाइड्राजीन होता है PH NH NH2. तो ये PH NH NH2 के बीच में एक इथाइल ग्रुप ऐड कर देना हमें, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2. तो फिनाइल हाइड्राजीन के अंदर दो कार्बन की एक चेन अगर इंसर्ट कर देंगे फिनाइल ग्रुप और हाइड्राजीन ग्रुप के बीच में, तो ये हमारा जो बन जाएगा. तो उसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि एक इथाइल ग्रुप लेना है, एक साइड में फिनाइल ग्रुप लगाना है और दूसरी साइड में हाइड्राजीन का पार्ट जो है वो ऐड कर देना है. तो ये बन जाएगा फिनेलजीन. ब्रांड नेम इसका, ट्रेड नेम जो है नार्डिल है. तो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट हमारे पास ये स्ट्रक्चरल फीचर्स आ गया. सो हाइड्राजीन ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है. तो ये जैसे आप फिनाइल हाइड्राजीन की रिएक्शन किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करा रहे हो, इसी टाइप से फिनेलजीन की रिएक्शन भी किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करा सकते हैं. सेम ही ग्रुप होगा, बीच में जो ग्रुप एक्स्ट्रा आ गया हमारा. सो सम ट्रैंक्यूलाइजर्स नेमली क्लोरडाइएजिपॉक्साइड एंड मेप्रोबामेट आर रिलेटिवली माइल्ड ट्रैंक्यूलाइजर्स एंड दीज आर सुटेबल फॉर रिलीविंग टेंशन. तो ये जो है हमारे पास में क्लोरडाइएजिपॉक्साइड का फॉर्मूला है, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला है. इसमें ऐसा कोई भी हम जो नॉर्मली फंक्शनल ग्रुप टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो कोई फंक्शनल ग्रुप मुझे यहाँ पे नजर नहीं आया है. बाकी हम कह सकते हैं कि ये एरोमेटिक टाइप का ही होगा. और ये जो मेप्रोबामेट है ये बेसिकली एक स्पेशल टाइप के कंपाउंड है जिसमें कार्बामेट ग्रुप होता है. केमिकल इक्विलिब्रियम में हम अमोनियम कार्बामेट यूज करते हैं, NH4 CONH2 टाइप का जो कंपाउंड होता है ये अमोनियम कार्बामेट है, NH2COONH4. तो ये इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास में जो है वो हमारे पास में NH2 ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप है और O ग्रुप है और NH4 ग्रुप है, अमोनियम कार्बामेट. तो ये कार्बामेट ग्रुप जो है बेसिकली एक C डबल बॉन्ड O होगा
मतलब एक एस्टर ग्रुप होगा, उसके साइड में एनएच टू ग्रुप लगा रहेगा। तो ये जस्ट विजुलाइज कर लीजिए आप कैसा होते हैं कार्बामेट्स। तो ये मेप्रोबामेट एक कंपाउंड है, ट्रेंक्यूलाइजर की तरह यूज होता है। ये मेप्रोबामेट के अंदर जो मैंने ऑब्जर्व किया उसको बता सकता हूँ कि ये कार्बामेट ग्रुप जो है नजर आ रहा है, जो मैं कहना चाहता हूँ। मीन्स जो कार्बोनेट होता है हमारे पास में, उस कार्बोनेट में सी डबल बॉन्ड ओ है और दोनों साइड में ओ माइनस होता है, तो एक ओ माइनस को आप एन एच टू से रिप्लेस कर दीजिए तो जो बन जाएगा उसको हम कहेंगे कार्बामेट ग्रुप। तो ये मेप्रोबामेट एक कार्बामेट टाइप का कंपाउंड है। एक और जो है इक्वेनिल, वेल नॉन ट्रेंक्यूलाइजर है, इसके अंदर भी जो है दो कार्बामेट ग्रुप है और देखो एक नियोपेंटाइल ग्रुप इसके अंदर नजर आ रहा है, नियोपेंटाइल ग्रुप नजर आ रहा है। सो ये कार्बामेट ग्रुप्स और बीच में ये नियोपेंटाइल ग्रुप दिख गया हमें। डेरिवेटिव्स ऑफ बार ब्यूटिरिक एसिड, वेरोनल, एमाइटल, नेम्ब्यूटल एंड ल्यूमिनल एंड सेकोनल कॉन्स्टिट्यूएंट एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ट्रेंक्यूलाइजर्स। ये सारे, अब इन सबके स्ट्रक्चर्स तो अगेन हम डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के डिस्कस हम डिस्कस कर लेंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, यू शुड बी फेमिलियर अबाउट बार ब्यूटूरिक एसिड, कि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, क्या इसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स देयर इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, और सभी के नेम में जो है वो एसिड वर्ड लिखा रहेगा। तो यहाँ पे बार ब्यूटूरिक एसिड क्या होता है पहले हम ये देख लेते हैं। तो बार ब्यूटूरिक एसिड जो है बेसिकली ये एक इस टाइप का साइक्लिक कंपाउंड होता है। अब इसके अंदर कहीं पे भी हमें एसिड फंक्शनल ग्रुप नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये सिग्निफिकेंटली एसिड है, जैसे पिक्रिक एसिड होता है, उसमें भी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप नहीं है बट उसके नेम में हम एसिड सफिक्स यूज करते हैं। तो उसी टाइप से ये भी सिग्निफिकेंटली एसिड होगा, इसके नेम में एसिड नहीं है बट ये भी सिग्निफिकेंटली एसिड की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पे जो है अल्फा कार्बन हैज अ रिएक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव मिथाइलिन टाइप का ग्रुप है बार ब्यूटिरिक एसिड के अंदर, और वो जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है दैट मेक इट मोर एसिडिक। सो अल्फा कार्बन हैज अ रिएक्टिव हाइड्रोजन एटम एंड इज क्वाइट एसिडिक। पी के देखिए इसका 4 के करीब है, तो इसका मतलब हुआ कि जो एसिटिक एसिड है उसका पी के होता है 5 के करीब, अप्रोक्सीमेटली 4.47 टाइप से, तो रफली हम उसको 5 कंसिडर कर लेते हैं। तो उससे तो छोटा ही है पी के, तो इसका मतलब उसका के ए जो होगा वो एसिटिक एसिड के से भी बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये एसिटिक एसिड से भी ज़्यादा एसिडिक हो गया एक टाइप से, अगर हम पी के की टर्म्स में अगर कंपेयर करते हैं तो। सो बिकॉज ऑफ, अब ये इसका जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है वो इतना एसिडिक क्यों है, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसमें एरोमेटाइजेशन आ सकता है। तो ये जस्ट एक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन एटम को अगर हम रिमूव कर लेते हैं, डीप्रोटोनेट अगर ये हो जाएगा तो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसके क्या क्या स्ट्रक्चर्स होंगे, तो ये वेरियस टाइप के स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज आपको नजर आ रहे होंगे। तो उसमें एक लास्ट में मतलब 2π इलेक्ट्रॉन 6 मेंबर रिंग के अंदर डीलोकलाइज होते हुए दिखाई देंगे आपको, तो ये एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन मिलेगा कार्बेनाइन को। अब एग्जामिनर देखिए, ये जो बार ब्यूटीरिक एसिड है इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं गिवन है, ये एडिशनल मेरी तरफ से है, बट एग्जामिनर जो है क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको कह सकता है, कुछ सजेस्ट कर सकता है इन दोनों कंपाउंड्स के बीच में रिएक्शन हो रही है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, और उसके डेरिवेटिव बना करके हमें कुछ भी पूछ सकता है, वो रिलेट कर सकता है जो इन्फॉर्मेशन गिवन है आपकी टेक्स्ट बुक में उसके साथ रिलेट कर सकता है। सो बार ब्यूटीरिक एसिड कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड फ्रॉम मेलोनिक एसिड एंड यूरिया, यू आर फेमिलियर विद द स्ट्रक्चर ऑफ मेलोनिक एसिड एंड यूरिया। बहुत सिंपल सा, 3 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मेलोनिक एसिड होता है, और यूरिया जो है आप जानते हो NH2CO NH2। तो इस रिएक्शन को अगर हम देखेंगे तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन हो गई है, यहाँ पे मेलोनिक एसिड है और ये यूरिया है, तो बेसिकली एक टाइप का अमाइड फॉर्मेशन हो गया ये, तो ये स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास में बार ब्यूटूरिक एसिड का। नाउ अब ये कोई क्वेश्चन आ सकता है मेरे हिसाब से कि बार ब्यूटीरिक एसिड को अदर डाइकीटोन से कंपेयर करने के लिए इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो पहले वाला हमारा बार ब्यूटीरिक एसिड है, इसका पीके आप देख सकते हैं 4.01 नजर आ रहा है, और दूसरा वाला एक डाइकीटोन है बट साइक्लिक डाइकीटोन है, और तीसरा जो है वो एक ओपन चेन डाइकीटोन है। 1,3-dikketones आर सिग्निफिकेंटली एसिडिक। ये टॉटोमेरिज्म में हम पढ़ते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर बेसिकली टॉटोमेरिज्म जो बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है बार ब्यूटीरिक एसिड इन तीनों में जो है ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर्स को आप कंपेयर करोगे तो बार ब्यूटीरिक एसिड के अंदर जो NH NH C डबल बॉन्ड वो लगा हुआ है
वो विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा, तो उससे उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी और उस टाइप से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो ये जस्ट फॉर मतलब एक आइडिया डेवलप करने के लिए कि कैसे हमें बेसिकली इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। नाउ ये एक इम्पॉर्टेंट बार ब्यूटेरेट है वेरोनल। अब देखो आप वेरोनल को कैसे प्रिपेयर करोगे, तो जो हमारे पास में बार ब्यूटेरिक एसिड है उसका स्ट्रक्चर वापस से हम देख लेते हैं। उस बार ब्यूटेरिक एसिड के अंदर जो अल्फा कार्बन है वो एसिडिक है, उसको किसी एल्कली के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो कार्बेनाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको किसी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो दो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है तो दो बार रिएक्शन करा करके हम दो कार्बन 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 बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो ये वेरोनल जो है एक बार ब्यूटेरेट है, ट्रैंक्विलाइजर की तरह यूज होता है। अब हमें कोई ये कह सकता है कि वेरोनल के अंदर किस टाइप का ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, तो वेरोनल जो है बेसिकली एक इमाइड है। इमाइड, रिमेंबर पोटेशियम थैलीमाइड, थैलीमाइड, तो थैलीमाइड के अंदर सी डबल बॉन्ड ओ, एन एच सी डबल बॉन्ड ओ टाइप का ग्रुप होता है, तो यहाँ पे भी वो थैलीमाइड है। और जिसमें भी इमाइड फंक्शनल ग्रुप होता है या अमाइड फंक्शनल ग्रुप होता है जैसे पॉलीपेप्टाइड्स वगैरह के अंदर, तो उसके अंदर हम ये बार ब्यूटेरेट टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉपर सॉल्ट के साथ जो पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, ये अपने जो अमीनो एसिड्स वगैरह का जो एक वीडियो मैंने बनाया था केमिकल टेस्ट के लिए, उसमें देखा होगा आपने। अदर जो ट्रैंक्विलाइजर्स है उसमें ये वैलियम आ गया है, ये सेरोटोनिन एक इम्पॉर्टेंट ट्रैंक्विलाइजर है। सेरोटोनिन का स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा है। देखो अब सेरोटोनिन आपके टेक्स्ट बुक में, ये सारे वही हैं जो टेक्स्ट बुक में गिवन है, तो यहाँ पे सेरोटोनिन को अगर देखेंगे तो इसमें एक फिनोलिक ओएच ग्रुप है, ये एक हेट्रोसाइक्लिक बेस है, और इसके अंदर एक प्राइमरी अमीन फंक्शनल ग्रुप भी दे रखा है एलिफेटिक, तो उसमें कार्बिल अमीन रिएक्शन हो सकती है, उसमें कार्बिल अमीन टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे ये न्यूट्रल एफिसियल थ्री टेस्ट शो करेगा, तो ये इस टाइप से जो है क्वेश्चन कुछ एक्सपेक्टेड है। तो इस टाइप से इस चैप्टर को आपको प्रिपेयर करना है कुछ हेल्प। देखिए आना तो एक या दो क्वेश्चन है, लेकिन हर चैप्टर में से वही एक या दो क्वेश्चन ही आने होते हैं, तो हमें पता तो होता नहीं है, तो हम हर चैप्टर को अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर के इसी टाइप से हमें स्टडी करना है। तो ये इस टाइप से हमने जो है काफ़ी कुछ जो है हमने देख लिया है कि ये जो हमारे पास में वेरियस जो ट्रैंक्विलाइजर्स जो हैं, जो हाइपरटेंशन ड्रग्स हैं, उनके स्ट्रक्चर्स वगैरह क्या होते हैं और उनमें क्या सिमिलरिटीज़ है, तो किस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह जो है आते हैं। तो नेक्स्ट हम जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स, उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।